राम राम जी सारन, आप सबका स्वागत है किचन रेसिपीज ऑफिशियल में। दोस्तों, कुंदरू जिसे टिंडोरा के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में इसे आईवी गोर्ड के नाम से जानते हैं, तो आज हम पोषक तत्वों से भरपूर कुंदरू और आलू की बहुत ही टेस्टी और चटपटी सब्जी बनाने जा रहे हैं, जो रोटी और पराठे के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम के लगभग कुंदरू को लिया है, जिसके बाद इसे साफ पानी से अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। अब एक चाकू की सहायता से इसके दोनों साइड के पार्ट को कट करके हटा दिया है। अब इसे लंबाई में 4 टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इसे अपनी पसंद के अनुसार गोल आकार में भी काट सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने सारी कुंदरू की सब्जी को काट कर तैयार कर लिया है, साथ में 2 आलू और 2 प्याज को लेकर इन्हें भी लंबाई में पतले स्लाइस में काट लिया है। अब एक स्टील की कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच सरसों तेल डालकर गर्म करने के लिए रख दिया है। अब तेल गर्म होने के बाद इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच सरसों दाना, 1/4 चम्मच हींग और 4 से 5 कली बारीक कटी लहसुन डालकर इसे कड़छी से चलाते हुए हल्का सा भून लें। इसके बाद इसमें कटे हुए आलू डाल देंगे और इन्हें बराबर चलाते हुए फुल फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। अब आलू को भूनते हुए लगभग 3 मिनट हो गए हैं। इसमें कटे हुए प्याज को डालकर इन्हें भी बराबर चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आलू की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब इसमें 2 साबुत लाल मिर्च को डाल देंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप साबुत लाल मिर्च को तड़के में भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आलू और प्याज का कलर चेंज हो गया है और आलू हमारे सॉफ्ट होने लगे हैं। अब इसमें कटे हुए कुंदरू को डालकर इन्हें चम्मच से चलाते हुए मिक्स करेंगे। अब सब्जी को अच्छे से मिक्स करने के बाद धीमी आंच पर इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर सब्जी को ढककर पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार सेंधा नमक डालकर इसे बराबर चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच सूखी मेथी डालकर इसे चम्मच से मिक्स करके 5 मिनट तक धीमी आँच पर पका लेंगे और बीच बीच में इसे कड़छी की सहायता से 2 से 3 बार चला देंगे, जिससे सब्जी नीचे कढ़ाई की तली में चिपके ना। दोस्तों, यहाँ पर हमें सब्जी में पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये तेल में जितना अच्छे से भुनेगी उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अब सब्जी को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं और ये बनकर तैयार हो गई है। अब गैस की फ्लेम को बंद करके इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, अब गर्मा गर्म सब्जी का रोटी या पराठे के साथ इंजॉय लें और पोषक तत्वों से भरपूर इस रेसिपी को एक बार आप भी जरूर ट्राई करें। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।